हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पत्ता गोभी मंचूरियन। कोई इसको वेज मंचूरियन भी बोलता है, कोई इसको गोभी के पकोड़े भी बोल देता है। तो इसके लिए मैंने एक पत्ता गोभी मीडियम साइज़ का ले लिया है, उसको कद्दूकस करके कट करके ले लिया है। आप देख सकते हो पत्ता गोभी में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए मैंने आधा चम्मच नमक ऐड कर लिया है। और ये नमक ऐड करके हम इसको एक 7-8 मिनट तक साइड में रख लेंगे, ताकि उसमें का पानी एक साइड में हो जाए। ये देख लो, अभी इस पत्ता गोभी को हम निचोड़ कर, मतलब निचोड़ के पानी निकाल देंगे उसमें से, ताकि पकोड़ा क्रिस्पी हो जाए। ये देख सकते हो आप, मैं पानी निचोड़ के निकाल के एक प्लेट में रख रही हूँ। अच्छे से पानी निचोड़ लेना है। इससे क्या होता है कि जो हम मैदा ऐड करने वाले हो, मैदे का मात्रा भी इसमें कम लग जाएगी और पकोड़ा क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा। आप देख सकते हो, अच्छे से निचोड़ के पानी निकाल लेना है इसमें का। ये पानी निकल गया है पूरा और हमने इसको एक प्लेट में ले लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। मसाले में हमने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वादानुसार नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और मैंने थोड़ी एक चम्मच शेजवान चटनी और फूड कलर ले लिया है। ये सब हम गोभी के पत्तों में ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हो, अभी इसमें हम 100 ग्राम के करीब करीब मैदा ऐड कर लेंगे। और मैदे से हाफ क्वांटिटी में, मतलब 50 ग्राम के करीब, मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर का पाउडर ऐड कर दिया है। आप देख सकते हो, ये अच्छे से ऐड करके हमको अच्छे से एक डो बनाना है, मतलब ये मिलाकर ले लेना है हल्के हाथों से पकोड़े को। जैसा हम बैटर तैयार कर देते हैं, वैसे ही अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। ये देख सकते हो, मैंने मिक्स करके एक डो सा बना लिया है। कढ़ाई रख ली है गैस पर और तेल गरम हो गया है अपना, तो हम इसमें हल्के हाथों से पकोड़े छोड़ देंगे। पकोड़े को राउंड शेप में नहीं बनाना है। जो ग्रेवी वाले वेज मंचूरियन आते हैं, बनते हैं, उसमें हम राउंड शेप के पकोड़े बना देते हैं, लेकिन ये जो हम पकोड़े बना रहे हैं, ये किसी भी शेप में, जैसे स्ट्रीट स्टाइल हम खाते हैं, देखो उसको शेप नहीं होता है, किसी भी शेप में हम बना सकते हैं। हल्के हाथों से पकोड़ों को तेल में छोड़ लेना है और गैस का फ्लेम मीडियम रख लेना है। हाई फ्लेम पे हम तल इसको फ्राई कर लेंगे, तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से वैसे ही कच्चापन उसका रह जाएगा, इसलिए हम मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करके ले लेना है। आप देख सकते हो, अच्छे से हमको इसको फ्राई करके ले लेना है। ये अच्छे से हमारे पकोड़े तलकर रेडी हो गए हैं। अब इसको हम निकाल कर ले लेंगे एक प्लेट में, और आप इसको सॉस के साथ में या किसी भी चटनी के साथ में या ऐसे ही खा सकते हो। चाय के साथ में वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हो, एकदम से क्रंची क्रिस्पी पकोड़े अपने तैयार हो गए, रेडी हो गए हैं। देखने में भी देखो एकदम ठेले वाले जैसे स्ट्रीट स्टाइल अपने पकोड़े दिख रहे हैं। तो आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे रेसिपी को लाइक कर लो, कमेंट कर लो और सब्सक्राइब कर लो। मैं चैनल पे नई हूँ तो आप सब्सक्राइब कर लोगे तो वही